नवीन महवा मंडी में दीपावली की रात आगजनी से प्रभावित व्यापारियों में प्रदेश सरकार के निर्देश पर एक हफ्ते के अंदर राहत चेक का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ग्रामीण विधायक विपिन सिंह के प्रतिनिधि प्रभा शंकर त्रिपाठी ने 17 व्यापारियों में 31,49,300 रुपए का चेक का वितरण किया। आपको बता दें कि दीपावली की देर रात महवा मंडी में भीषण आग लग गई थी, जिसके कारण कई व्यापारियों के सामान और दुकान जलकर राख हो गए थे, जिसको देखते हुए सरकार ने व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के जांच कमेटी का गठन किया था, जो कि नुकसान की राशि का रिपोर्ट बनाकर सरकार को पेश करेगी। कमेटी ने कम समय में सरकार को रिपोर्ट भेज दिया, जिससे एक हफ्ते के अंदर मंडी के 17 व्यापारियों को राहत चेक वितरण किया गया। वहीं चेक पाकर व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने कहा, यह सरकार की सबसे बड़ी मदद है, जिससे हम व्यापारियों को फिर से व्यापार करने में मदद मिलेगी। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिला प्रशासन और मंडी समिति के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य जवाहरलाल कशोधन सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक के प्रतिनिधि प्रभा शंकर त्रिपाठी, मंडी सचिव राजित राम वर्मा तथा मंडी के व्यापारियों ने कहा, सहायता दिया जा रहा है, जिसके तहत जो है ये पूरा रहे कि किसका कितना नुकसान है, ये जो है इसमें जो कार्रवाई हुई है, ये देखिए मंडी स्थल उपमंडी स्थल परिसर में अग्निकांड दुर्घटना होने पर व्यापारियों एवं आढ़तियों को वास्तविक अथवा धनराशि दो लाख जो भी कम हो आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। ये शासनादेश है, मतलब आपकी वास्तविक क्षति या 2 लाख रुपया, अधिकतम वास्तविक क्षति अगर 1 लाख है तो 1 लाख रुपया ही दिया जाएगा। तो इसमें जो है आप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ जैसे मुख्यमंत्री खेत खलिहान दुर्घटना सहायता योजना है, उसमें आज तक हम लोगों ने 1,350 लोगों को 1,37,00,000 रुपया वितरण कर चुके हैं। वो ऑनलाइन किया जाता है, आप लोग सुने होंगे बांसगांव तहसील है और जो है यहाँ ज़्यादा आगजनी हुआ था, उसमें हम लोगों ने 1,350 लोगों को, 1,350 किसान लोगों को जो है, किसान को जो है डायरेक्ट खाते में RTGS से जो है उनको यहाँ कभी आना नहीं पड़ा, ये केवल आवेदन ऑनलाइन कर दिए। हमारे यहाँ जांच की प्रक्रिया और तहसील में DM साहब के यहाँ जाएगा, तहसीलदार की रिपोर्ट लगेगी, फिर DM साहब स्वीकृत करेंगे, फिर इसके बाद ऑनलाइन हमारे यहाँ चला आएगा। ऑनलाइन आ जाने पर हम उसमें RTGS कर देते हैं उस खाते में। 1,350 किसानों को अगर ऐसे बुला करके दिया जाता तो बहुत उनको भीड़ लगती, जैसे जैसे आवेदन आता गया वैसे वैसे भुगतान होता गया, तो त्वरित गत से जो है भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा जो ये धनराशि आप लोग को सहायता दी जा रही है, कि 4 तारीख दीपावली का दिन था, आप लोग जान ही रहे हैं कि 4 तारीख जिसमें 3 छुट्टियां भी थी, 4, 5, 6 अभी कल परसों 2 दिन केवल खुला है, वर्किंग डे में आप लोगों के दुकान पर जाके फार्म कैसे कैसे भरवाया गया, उनके तेजी से जो है आपको तत्काल भुगतान किया जा रहा है। जबकि हम कल ही चाह रहे थे ये कार्यक्रम विधायक जी को आना था, लेकिन थोड़ा सा जो है उनको कार्यक्रम में जाना पड़ गया, तो यहाँ आकर के चले गए जो है। तो विधायक जी के प्रतिनिधि हैं, माननीय उपस्थित हैं जो है, उन्हीं के उसमें जो है ये चेक आप लोग को दे दिया जाता है। कोई भी समस्या हो तो आप लोग बताइएगा, इसमें जो है सभी के नाम से चेक कटा हुआ है। और तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा जो है लोकप्रिय विधायक ग्रामीण विधानसभा के जितेंद्र सिंह जी के प्रतिनिधि, जिनको मैं प्रभा बाबा के नाम से ही उपस्थित होना था इसी कार्यक्रम में, और उन्होंने अपने अधीनस्थ प्रभा बाबा को इस कार्य के लिए लगाए हैं। माननीय श्री जवाहर कशोधन जी, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। तो इस मौके पर हमें कहना कि सरकार आपके साथ है, आपके दुख सुख में सरकार हमेशा साथ है, आपके साथ रहेगा। उसी के निमित्त हमारे विधायक यहाँ है, उसी के निमित्त हमारे जवाहर जी हैं, मदन जी हैं, हमारे मंडल के लोग हैं, समाज के सेवा में तत्पर। और मेरे सचिव साहब जो नए आए हुए हैं, वह सचिव साहब तो सचिव साहब थे,
लेकिन वो अभी भोले भाले थे और उनसे भोले भाले हमारे यहाँ संजीव सार मिल गए आप लोग को, जिसके लिए मैं आप लोग को बधाई दे रहा हूँ कि ऐसा सचिव होना, ऐसा डीडीए होना, ऐसा डायरेक्टर होना। डायरेक्टर भी हमारे यही से गए, गोरखपुर से गए, नगर आयुक्त थे अंजनी कुमारी, हम लोग से मिलने जुलने वाले थे, आज जाकर के प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में हमारे व्यापारी कर सबको मैं नमन वंदन कर रहा हूँ। लाल बहादुर सोनकर है, कंपनी के अगले आइए श्री क्षेत्रीलाल। तीन चार लोगों का श्री राम आधार कुशवाहा कल्लूनाथ एंड कंपनी प्रोप्राइटर श्री रमेश प्रसाद जायसवाल एंड कंपनी प्रोप्राइटर श्री रोशन कुमार सोनकर। आशा सोनकर। किस नाम से दुकान? दुर्गा फ्रूट कंपनी। 2 लाख रुपए का चेक अग्निकांड के जैसे आपको मिला सरकार के तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि इन्होंने हमारी आर्थिक सहायता की, बहुत अच्छा लगा। इस चेक से हम लोग कुछ अपने दुकान का निर्माण भी करा सकते हैं और कुछ कारोबार में भी लगा सकते हैं। और योगी जी के सरकार में हमें इतनी सहायता मिली, दोबारा हम यही चाहेंगे कि सरकार इन्हीं की बने। कितने का चेक मिला आपको? 2 लाख का। सरकार के द्वारा 2 लाख की सहायता दी जा रही है जी सर। आपको मिला है? जी अशोक कुमार सोनकर एंड कंपनी प्रोप्राइटर, मैं अशोक सोनकर बोल रहा हूँ। सरकार के लिए नहीं, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग का जो मदद हो रहा है बहुत ठीक ठाक हो रहा है। कितने का आपको मिला था? 2 लाख। प्रभाष शंकर त्रिपाठी, प्रतिनिधि ग्रामीण विधायक। अगर अग्निकांड में हुए व्यापारियों के नुकसान सरकार के द्वारा, सरकार को लाख लाख बधाई। कितना त्वरित 4 तारीख को ये घटना घटी है और आज 11 तारीख को इनको चेक मिल जा रहा है। क्या कहना चाहिए? इनको दिक्कत हुई, जितना इनकी क्षति हुई उतना कोई नहीं दे सकता है, लेकिन कुछ सांत्वना धनराशि इनको मिल रही है, इससे इनका दैनिक काम, दुकान क्षतिग्रस्त हुई दुकान बन जाएगी। तो ये सरकार का, भाजपा का त्वरित जो कार्रवाई हुआ है और इतना जल्दी इन लोगों को मिल गया है, इससे व्यापारियों को और जिनका जिनको जिनका क्षति हुआ है उनको काफ़ी राहत मिलेगी। राजराम वर्मा, मंडी सचिव गोरखपुर। ये 17 लोगों को दी गई है, ये जो आग लगा हुआ था ये 17 व्यापारियों को दिया गया है, जिसमें 31,49,300 रुपये की सहायता जो है 17 व्यापारीगणों को दिया गया है। ये जैसा कि 4 तारीख दीपावली का दिन था उसी दिन ये घटना घटी थी और ये आज 11 तारीख है। इसमें माननीय विधायक जी महोदय द्वारा बटना था, उनके जन्मदिन, वो कहीं किसी कार्यक्रम में चले गए, उनके माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि आए और उनके माध्यम से, और एक व्यापार मंडल के हमारे सदस्य जी हैं श्री जवाहर कुशोधन, वो उनकी उपस्थिति में ये वितरण कर दिया गया जो है। सर देखा जाए तो सहायता मतलब कितनी जल्दी हो गई, किस तरह से ये देखिए, ये शासन प्रशासन सभी का हो रहा जो है इसमें, और तेज़ी से इसमें कार्य हुआ त्वरित गति से जो है, और इसमें सभी अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए भी और उनके ही सहयोग से, उनके ही आदेश से ये संभव हुआ है। सर के सब लोगों को 2 लाख ही दिया गया कि उससे किसी को कम या ज़्यादा? नहीं, 2-3 लोग कम भी हैं जिनकी जैसी जो है, इसमें 2 प्रकार के वो है, एक वास्तविक क्षति अथवा 2 लाख जो भी कम हो, 2 लाख से अधिक नहीं दिया जा सकता है ये सहायता। इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री व्यापार उपमंडी स्थल मंडी स्थल सहायता योजना के तहत ये दिया गया 2 लाख की धनराशि।
तो इसमें वास्तविक क्षति अथवा 2 लाख से जो भी कम हो वो सहायता दी जाती है। तो इसमें 3 लोगों को थोड़ा कम दिया गया, बाकी सब 2 लाख के तहत हैं।